हेलो डियर स्टूडेंट, इट इज केमिस्ट्री 11 क्लास यूनिट सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम लोग तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को अफबाऊ रूल्स, हुंड का रूल और पावली का अपवर्जन नियम बताया गया था, जिस पर आधारित हम लोग तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आपको जो ऊर्जा स्तर बताया गया है कक्षकों के, उपकोष जो होता है एस पी डी एफ उपकोष, एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन और डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन बताया जा चुका है। तो इस ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हम इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। तो सबसे पहले आइए कुछ एक हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक जो एलिमेंट्स होते हैं, कुछ तत्वों के नाम यहाँ पर देखिए और उनके एटॉमिक नंबर देखिए, परमाणु क्रमांक देखिए। पहला जो तत्व है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर 1 होता है। हीलियम का 2, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4, बोरान का 5 होता है, ठीक है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, इसके बाद होता है ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9, नियान का 10, सोडियम का 11 लिख लीजिए, इसके बाद मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, इसके बाद सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, इसके बाद आर्गन का होता 18। तो इस क्रम में हम लोग इन तत्वों का नामनक्लेचर और उनके परमाणु क्रमांक लिख लेते हैं, इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। आगे चेक करें, पोटेशियम का होता है 19, कैल्शियम का 20, स्कैंडियम का 21 और इसके बाद होता है टाइटेनियम का 22, वैनेडियम को भी से व्यक्त करते हैं, क्रोमियम का 24, मैंगनीज का 25, आयरन का 26 और कोबाल्ट का 27, निकिल का 28, कॉपर का 29, जिंक का 30। तो ये कम से कम आपको 1 से लेकर के 30 यानी हाइड्रोजन से लेकर के जिंक के तक के तत्वों का नाम आपको याद रखना चाहिए और इसके परमाणु क्रमांक भी। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आइए देखते हैं। तो आपको बताया गया था कि बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉनों को उनके ऑर्बिटलों में भराव करते हैं, जो एस पी डी इस तरह से 1s2s2p3s3p इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन का 1 है तो यहाँ से हम लिखेंगे 1s1, ठीक है। ये 1 क्या है, ये मुख्य क्वांटम संख्या को बताता है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होगा 1s2 नहीं करेंगे बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1s1। हीलियम का देखिए 1s2, इस प्रकार से लिथियम का बनाइए 1s2, फिर 2s1, 2 1 3, लिथियम का 3 होता नहीं, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, एक कोश है। और आगे बेरिलियम का बनाइए 1s2 एंड 2s2, ठीक है, 2 2 4, बेरिलियम का 4 है। बोरान का देखिए 1s2 2s2 2p1, देखें 2 2 4 1 5, चूँकि बोरान का 5 है इसलिए 1s2 2s2 2p1। इसके बाद कार्बन का बनाइए 1s2 2s2 2p2, 2 2 4 2 6 2p2, करेक्ट, यानी पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे
सब सेल में देखिए दूसरा दूसरा दूसरे में दो दो चार इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन का 7 है तो 1s2, 2s2, 2p3, 2 2 4 3 7, यानी दूसरे उपकोष में 3 2 5 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट ऑक्सीजन का 1s2, 2s2, 2p4, देखें 2 2 4 4 8 8 है। फ्लोरीन का 1s2, 2s2, 2p5, 2 2 4 5 2 2 4 5 4 9, ठीक है। इसके बाद नियान का चेक करें, 1s2, 2s2, 2p6, 2 2 4 6 4 10, पूरा कोश भर गया 2p6। पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। सोडियम का 1s2, 2s2, 2p6, 10 तो हो गए। इसके बाद 3s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 नहीं बल्कि 3s1, 10 1 11, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करते चले जाइए। मैग्नीशियम का 1s2, 2s2, 2p6, काम लगाइए 3s2। यहाँ देखिए 10 था, अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें और भराव करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 टोटल हो जाएगा। यस में 2 इलेक्ट्रॉन कूद गया, पूरा हो गया इसका कोर्स। एल्युमिनियम का ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, देखें 2 2 4 6 4 10 2 12 1 13, पी उपकोष में प्रवेश कर गया है इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम वाले में, ठीक है। इसके बाद आइए सिलिकॉन का देखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, ठीक है। इस क्रम में आगे बढ़ाते चले जाइए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 2 2 4 6 4 10 2 12 3 15। अब यहाँ पर देखें, पहले उपकोष में, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 3 2 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हालांकि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है पी सब सेल में प्रवेश किया है, लेकिन तीसरे कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर का देखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ठीक है, 16 हो जाएगा, 2 2 4 6 4 10 2 12 4 16। क्लोरीन का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 4 था 5, 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो पी सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 4 10 2 12 5 17। आर्गन का देखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, पूरा कोश भर जाएगा पी का, तो 18 हो गए, ठीक है। आगे पोटेशियम का इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का भराव करते चाहिए, 1s2, 2s2, 2p6, कमा लगाइए 3s2, 3p6, देखें 2 2 4 6 4 10 2 12 12 12 6 18 12 6 18 1 19, यानी 4s1 में जाएगा, ध्यान दें। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, हालांकि 3d आना चाहिए, 3d 3p के बाद 3d में जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन को, लेकिन नहीं जाएगा क्योंकि डी सबसेल जो होता है, डी कक्षक, वो काफ़ी बड़ा माना जाता है, और डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं डी में, अतः डी में अधिकतम 10 होते हैं, जबकि यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है, अतः यस छोटा है डी के अपेक्षाकृत, इसीलिए ये 4s में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 2 4 6 4 10 2 12 देखें 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 1 19। आइए कैल्शियम का चेक करें, 1s2 20 है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
फोर यस टू, दो दो चार, छः चार दस, दो बारह, छः अठारह, दो बीस। ठीक है, इस तरह से बढ़ाइए, इसका एनडीएम का बनाइए। वन यस टू, टू यस टू, टू पी सिक्स, थ्री यस टू, थ्री पी सिक्स, फोर एस टू में तो जाएगा ही थ्री डी वन, यहाँ तक बीस है, बीस एक इक्कीस। टाइटेनियम का देखिए वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पी सिक्स, फोर एस टू, थ्री डी टू हो जाएगा। ठीक है, वैनेडियम का वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पी सिक्स, फोर एस टू, थ्री डी थ्री। ठीक है, बढ़ता चला जा रहा है। क्रोमियम का ये चेक करिए, वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पी सिक्स, यहाँ पर ध्यान दें, फोर थ्री पी सिक्स, फोर एस टू एंड थ्री डी फोर। देखिए दो दो चार, छः चार दस, दो बारह, छः अठारह, दो बीस, चार चौबीस। यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान देंगे क्रोमियम के लिए, यहाँ पर देखिए यस में तो अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया और डी में चार इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया। आपको ये पता है कि डी में अधिकतम दस इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी सब सेल में अधिकतम दस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और डी में आर्बिटलों की संख्या होती कितनी है, टोटल फाइव पड़े हैं, एक दो तीन चार पाँच। डी सब सेल में अधिकतम पाँच आर्बिटल होते हैं। ठीक है, अर्थात यदि आधा भर दिया जाए, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया जाए, तो यह अस्थाई माना जाएगा। ठीक, यहाँ पर डी में चार इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक एक दो तीन चार। यदि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसमें चला आए डी सब सेल में इसमें, तो यह अस्थाई मान लिया जाता है, हाफ फील्ड भी अस्थाई माना जाता है। अतः यह डी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत है स्थाई होने के लिए, तो यह यस से एक इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, तो चार एक कितना हो जाएगा, पाँच। करेक्ट, और यस यस भी आधा भर जाएगा, क्योंकि यस में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक भरेंगे तो आधा भरेगा, आधा अस्थाई माना जाता है, इसलिए यहाँ पर एक और यहाँ पर फाइव कर देंगे। ठीक है, ये क्रोमियम के लिए है। यहाँ पर थ्री थ्री डी फाइव, फोर एस वन, थ्री डी फाइव, ये क्रोमियम के लिए है। क्रोमियम का यह असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसलिए इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा देंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। यह है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आगे देखिए मैग्नीज, मैग्नीज का वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पी सिक्स, फोर यस और थ्री डी फाइव। देखिए थ्री डी फाइव हाफ फील्ड है, वो सही रहेगा। ठीक है, इसमें सिक्स नहीं करेंगे, बल्कि ये फोर यस वन था तो इसमें दो कर देंगे, ये पूर्ण रूप से स्थाई बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से आइए आयरन का चेक करिए, वन यस टू, टू यस टू, टू पी सिक्स, थ्री यस टू, थ्री पी सिक्स, फोर यस टू। अब यहाँ से 3d6 कर दें, क्योंकि यस सबसेल पूरा हो चुका है, तो आगे d में ही जाएगा। दो दो चार, छः चार दस, दो बारह, छः अट्ठारह, दो बीस, छः छब्बीस। कोबाल्ट का वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पी सिक्स, फोर एस टू एंड दिस इज 3d7। ठीक है, डी सब सेल में प्रवेश कर गया। आगे निकल का देखें वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पी सिक्स, फोर एस टू एंड दिस इज 3d8। करेक्ट, कॉपर का देखिए वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पी सिक्स,
4s2 3d9। अब यहाँ एक बार पुनः ध्यान देंगे कॉपर के लिए, यदि डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन इसको अब मिल जाए तो यह अस्थाई हो जाएगा, पूर्ण रूप से स्थायी हो जाएगा। क्या करेगा फिर वही चीज़ कि यस से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, चूंकि यस में आधा इलेक्ट्रॉन यदि हो, यस सबसेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, तो यदि आधा होगा तो भी अस्थायी मान लिया जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका जो है डी में चला जाएगा, ये हो जाएगा 10 और यह अस्थायी हो जाएगा, करेक्ट। तो 4s1 3d10 ये इसका स्थायी माना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन जिंक का चेक करें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 पूरा भर देंगे 3d10, करेक्ट। जब 10 के बाद एक भी इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो तुरंत यस में कूद जाएगा, इस तरह से अस्थाई माना जाएगा। बस फोकस आपका दो चीज़ों पर है, एक क्रोमियम पर इस पर स्टार लगा दीजिए और एक कॉपर पर स्टार लगा दीजिए, इनका असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो स्टूडेंट थैंक यू, इसको रिवीजन कर लीजिएगा इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को।